दोस्तों, आप सब तो एयरप्लेन की सफर तो किए ही होंगे, पर एयरप्लेन में ये कुछ गलतियां भूल कर भी ना करना। नंबर वन, एयरप्लेन में दी गई टी या कॉफी कभी भी मत पीना, क्योंकि उस टी और कॉफी को ऐसे पानी से बनाते हैं जो कि टॉयलेट में पानी यूज होता है, और शायद हो सकता है कि उस टंकी को भी साफ नहीं करते होंगे। नंबर टू, आप कभी भी एरोप्लेन के टॉयलेट में अपने आप को अंदर से बंद करने का घटिया आइडिया मत लगाना, क्योंकि टॉयलेट का गेट अंदर से लॉक करने के बाद भी बाहर से खोले जा सकते हैं। नंबर थ्री, आप सब कभी भी एयरप्लेन में दी गई हेडफोन का यूज मत करना, क्योंकि वो दी गई हेडफोन बहुत ही घटिया रहता है, लेकिन आपको उस हेडफोन को देखने में लगेगा कि बल्कि बहुत ही अच्छा हेडफोन है, पर वैसा कुछ भी नहीं रहता है। नंबर फोर, आपको एरोप्लेन में ऑक्सीजन मास्क दी जाती है लगाने के लिए, तो उस मास्क में सिर्फ 15 मिनट का ही ऑक्सीजन रहता है। नंबर फाइव, एरोप्लेन में आप थर्मामीटर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि थर्मामीटर को मर्क्यूरी एल्युमिनियम को नष्ट कर देता है। नंबर सिक्स, एरोप्लेन में बैठने के बाद मोबाइल या फोन को फ्लाइट मोड में रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल के बीच आसानी से बातचीत हो सके। नंबर सेवन, आपको एरोप्लेन में रेजर लाइट का प्रयोग करने का नहीं मिलता है, ऐसा किस लिए? क्योंकि पायलट को गलत संकेत मिलता है और उसके वजह से पायलट भी कंफ्यूज हो सकता है। नंबर एट, हवाई जहाज में दी गई खाने हमें बहुत ही बेकार लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में हमारे जुबान का टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। नंबर नाइन, एरोप्लेन का डिजाइन इस तरह दिया जाता है ताकि इस पर कोई भी बिजली चमके या कुछ भी, तो इस पर कुछ भी असर ना करे। नंबर टेन, एरोप्लेन का पिछला हिस्सा से आगे का हिस्सा 40% से ज्यादा सेफ रहता है। क्या आपने भी एरोप्लेन में कभी सफर किए हैं? कमेंट में जरूर बताएं।